आज हम आपकी किताब मंजिलिका पार्ट दो राजधन पढ़ेंगे। इससे पहले भी हम दोनों वीडियो में आपको राजधन के बारे में राजधन पार्ट के बारे में बता चुके हैं कि कैसे राजा धर्मदत्त भ्रमण करता था, कैसे उसे महात्मा बुद्ध ने गोदे खिलाए थे। तो उसमें जो हमारे कुछ कठिन शब्द आए थे, है ना, उन कठिन शब्दों का आज हम अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। तो पहला शब्द है विवेकशील। विवेकशील यानी कि विवेक से कार्य करने वाले। विवेकशील का अर्थ जो होता है वो विचारवान होता है। दुर्गम, दुर्गम का मीनिंग क्या होता है? अगर हम सरल शब्द में लें तो कठिन होता है। तो दुर्गम का मीनिंग है कि जहां पहुंचना कठिन हो। ओज यानी इसका अर्थ क्या है? ओज का अर्थ क्या है? कांति। जिज्ञासा, हमारे मन में कोई जिज्ञासा आई, कोई इच्छा पैदा हुई किसी चीज को जानने की, तो इसका जिज्ञासा का अर्थ क्या है? कि जानने की इच्छा। अनुसरण, हम किसी का अनुसरण करते हैं। कोई किसी ने अच्छा काम किया, अच्छा काम करने गया, हमें वो काम अच्छा लगा, तो हम हमारे मन में क्या होती है कि हम उसका अनुसरण करें, अच्छे काम का हम अनुसरण करें। तो अनुसरण का अर्थ जो होता है वो पीछे चलना होता है। संकल्प, जब कोई हम कोई काम करते हैं, हम अपने मन में ये ठान लेते हैं कि हमें जो है ये काम करना ही करना है ना। तो संकल्प यानी कि संकल्प का अर्थ जो होता है वह दृढ़ निश्चय। हम किसी काम को अगर ये सोच लें कि हमें ये काम करना है, तो हम अपने मन में दृढ़ निश्चय ले लेते हैं। दृढ़ निश्चय लेकर हम वो काम हमारा पूरा जरूर होता है। ये तो थी एक कठिन शब्दों की बात। कठिन शब्दों की बात, आइए अब हम कुछ शब्द हैं उनके विलोम शब्द। विलोम यानी कि उल्टा, है ना। विलोम का मीनिंग क्या होता है? विलोम का अर्थ क्या होता है? उल्टे, है ना। तो पहला हमारा शब्द है अधार्मिक। अधार्मिक यानी धर्म को ना मानने वाला, है ना। तो धर्म को ना मानने वाला पहला है हमारा शब्द क्या है? अधार्मिक। तो उसका विलोम क्या होगा बताओ? इसका उल्टा क्या होगा? कि धर्म को मानने वाला। तो अधार्मिक है यहाँ पर के धार्मिक, तो इसका विलोम हो गया, इसका उल्टा हो गया धार्मिक। यह है सरस, शब्द है हमारा सरस। सरस का विलोम क्या हो गया हमारा? नीरस। विवाद यानी लड़ाई झगड़ा, आपस में हम वाद विवाद भी करते हैं, वाद विवाद भी हो जाता है। तो विवाद का अर्थ उल्टा जो है वो है हर्ष। सुगम, सुगम यानी सरल, है ना। सुगम का मीनिंग क्या होता है? सरल होता है। तो अब यहाँ पर अगर हम इसका उल्टा देखते हैं तो यहाँ दुर्गम। गुण, हमारे हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होती है बच्चों। किसी में कुछ अच्छाई होती है, किसी में काम करने की अच्छाई होती है, किसी में कुछ काम करने की अच्छाई होती है। तो सभी व्यक्तियों में अच्छाइयाँ भरी रहती हैं। तो हमारा शब्द क्या है? गुण। और गुण का अगर हम विलोम शब्द देखें तो क्या होगा उसका? अवगुण। ठीक है, समझ में आया आपको?